मैंने घूर घूर के देखा, आज वो लड़की तुझे घूर के देख रही थी और तू खिड़की के बाहर कबूतर देख रहा था। बता सीन क्या है यार? सारे सीन फ्लैशबैक में यार। तूने मुझसे भी छुपा के रखा था, चल बता स्टोरी। मैं अपने फाइनल ईयर में था जब पहली बार उससे मुलाकात हुई। मुझे बोल रहा है या उड़ते कबूतर को बोल रहा है? अच्छा पुरानी बात है, चल बोल बोल। उस वक्त वो हमारी बस में नहीं चढ़ती थी, कभी सड़क पे कभी बस स्टैंड पर देख जाती थी तो देख लेता था। ना उसका नाम पता था, ना ये पता था कि वो कहाँ पर रहती है। बिना पते का प्यार, इंटरेस्टिंग। उसकी एलईडी लाइट जैसी आंखें, तेल में लिपटी हुई प्यारी चोटियां, उसे देखकर दिल का बल्ब जल जाता था। सच में? हाँ। गंदा। रुको रुको रुको, मेरे पास छुट्टी नहीं है। मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, हिसाब चुकता करना है। मेरा नाम है शिवा, पूरा गांव मुझे जानता है, बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। बाप का नाम है वीरभद्र और स्टडी करता हूँ बीएससी फाइनल ईयर में। इतनी सारी डिटेल्स मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तब मैं नहीं बता पाता जब तुम मेरे सपनों में आती हो। हाँ, सपने में ना तुम खुद को रोक पाती हो ना मैं खुद को रोक पाता हूँ। हम दोनों ही डिस्काउंट सेल पर टूट पड़ते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। तुम्हारे डिफरेंट लुक्स को देख के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। शायद हार्ट अटैक है, लव अटैक है, दिल में तुम डाउनलोड हो गई हो। जवान लड़के लड़कियों में ऐसा वायरस पाया जाता है जैसे प्यार की बीमारी कहते हैं। मुझे तो अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं तो है। हो जाएगी, जुकाम या खांसी जैसा इन्फेक्शन तो है नहीं जो सेम टाइम पे होगा, लव है। रात के अंधेरे में सोचना, तुम्हें भी हो जाएगा, कल आराम से जवाब देना। सेम टाइम सेम प्लेस, सी यू टुमारो। हेलो, सुनो अंकल। आप अंकल? मैं अंकल? ओ अंकल बोलती है, अंकल अंकल। सुनो, मुझे ये सब फालतू की बातें पसंद नहीं। अरे मुझे भी नहीं पसंद है, मतलब हम दोनों एक ही बोर्ड पर हैं। जाके कोई और काम करो। अरे यही तो मेरा काम है, तुम आराम से घर पे जाओ और कल आके मुझे आई लव यू बोलना। देखो यही मेरा जवाब है, अगर तुमने मुझे कल भी परेशान किया ना तो मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा कर दूंगी। ठंड रख, कूल डाउन। क्या कूल डाउन कर रहे हो, मेरे साथ ये सब नौटंकी मत करना, माइंड इट। ठीक है मेरी माँ, जा 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 ना। तब तो बताना चाहिए था ना। अरे कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जो तुझे आते ही बताता मैं, और बेकार में लड़की की बदनामी क्यों करता? वो तुझे क्यों घूर रही थी? घूर रही थी तो हो सकता है शायद गुस्से में देख रही हो। पहला प्यार बर्थ मार्क की तरह होता है, जो मरते दम तक नहीं मिटता। क्या पंच डायलॉग, तू ही मार सकता है, मैं नहीं मार सकता क्या? मेरा प्यार तो फ्लॉप हो गया, इसलिए सोचा गिरी को ही सेट कर दूं। मैं तो कल के लिए अभी से रेडी हूं। कल तू शॉपिंग गई थी? मुझे पता है। कौन सी वाली? हो रही भाई, पीली साड़ी वाली। ए हीरोइन, तो और क्या चलती है क्या? तुझे मेरे दोस्त से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, आ जा हमारे बीच में आके बैठ जा। देख ना कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग, तू जाने दे, उन पर ध्यान मत दे। मैं तो बोलता हूँ दोनों आ जाओ। बोल आती है क्या? शिवा छोड़ना यार, क्या छोड़ना यार, मेरी बात तो सुन। क्या घूर रहा है बे? लड़की के रेट के बारे में तू डिसाइड करेगा? भाई यही वो लड़का है जिसने मुझे चाटा मारा था। अरे उतनी मार से बस नहीं हुआ, खुद को हीरो समझता है। आना इधर, ऐसी हालत करूंगा खड़ा तक नहीं हो पाएगा, समझा? जा अंदर जा, नहीं तो तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। जा बे अंदर जाके बैठ, देखा तेरे भाई का जलवा। मुझे खींचा क्यों तूने? अबे हर भौंकते कुत्ते पर ध्यान देना जरूरी है क्या? रवि जल्दी उसका पीछा कर, जल्दी। हाँ जल्दी चलाओ। ए
ये क्या हुआ? रुको रुको, इसकी सांसें चल रही है, जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हमको क्या करना है यार, अगर पुलिस केस हो गया तो बेकार में हम फंस जाएंगे। चुप कर, किसी की जिंदगी जा सकती है तो जब पुलिस केस की पड़ी है। अरे यार सब संभालूंगा, उठा इसको जल्दी, उठा चलो चलो भाई, संभल के आओ आराम से, ले आओ ले आओ जल्दी लेकर आओ जल्दी। अकेले अकेले क्यों हंस रही है? ऐसे कितने कम लोग होते हैं ना जो अपनी दुश्मन की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। तुझे देख के लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। ज्यादा मत बोल समझी। क्या जगन, नमस्ते। आज यहाँ कैसे? मैंने इसे बुलाया है ससुर जी। मेरे पिताजी की मौत को अब एक साल होने वाला है, तो अब हमारे घर में शादी ब्याह जैसा शुभ काम हो सकता है। मेरी मानिए तो इसकी और वसंती की जल्दी से शादी करवा दीजिए। कुछ कहते हैं कि साल के अंदर शुभ कार्य होना चाहिए, कुछ कहते हैं साल भर बाद होना चाहिए शुभ कार्य। अभी हमें तो अपनी सहूलियत से काम करना होगा। पापा पर हमने भी इन्हें जबान दी थी ना, तो शादी हो जानी चाहिए। तो मना कौन कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ वसंत की पढ़ाई खत्म हो जाए। सुन लिया ससुर जी ने क्या कहा? सब राजी है तो शादी चाहे कल कर लो, आज कर लो या फिर अभी कर लो। पेन चल मुना, चल के पढ़ाई करते हैं। देखा ये पढ़ाई के लिए कितनी उतावली हो गई है। सच कहा, पढ़ाई के लिए पूरी पागल है। नौजवान ने रोड एक्सीडेंट में 3 युवकों की जान बचाई। ए चलो बस आ गई। शिवा शिवा, ए बस कर, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तेरे लिए इनका प्यार है, तू अंदर तो चल। चला यार, महान काम किया है। तेरी जगह मैं होता तो 10 माला पहनता। चल, आज तो अपना लड़का सचमुच का हीरो बन गया। तू तो कमाल है यार। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर से मैं बहुत घबराता हूँ। दुश्मन को मार से नहीं प्यार से जीतना चाहिए, ऐसा कह के उसने मेरी सोच बदली। किसने? अरे किसने मतलब, मेरे फ्रेंड ग्रेट गिरी ने। आधार कार्ड वाला पोज मत दे, जा मौका हाथ लगाए, जाके चौका मार दे, जा 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 जा। गिरी के लिए ताली। सबके सामने तारीफ करने से इसने मना किया था। जो बड़े बड़े काम ये करता है ना, उसके सामने तो बहुत छोटी सी चीज है। देख तेरी सेटिंग के लिए कितना फेंक रहा है। हमें तो गर्व है कि हमारा गिरी जैसा दोस्त है। अरे जिससे इसकी शादी होगी ना बहुत लकी होगी। सही कहा ना, सही कहा ना, बोल बोल बोल। अरे इसके महान किस्से सुनाऊंगा। बस में माहौल अच्छा बन चुका है, इसको जाके प्रपोज करने दे। जा, जा, जा। इतना फेंकने के बाद तो वसंती को खुद आके मुझे आई लव यू कहना चाहिए। तू तो दिमाग का हटा हुआ है, जमाने से कटा हुआ है। अरे पागल, अरे हटा हुआ, मुझे उठा ले। क्या कर रहा है, चोट लग जाएगी यार। ये चोट नहीं है, मेरी किस्मत में खोट है। यहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सही बोला, सही बोला। मेरे हिसाब से बाहर बोलना बेटर होगा। यही हार इसकी फोटो पे चढ़ाऊंगा। कुछ भी करके हमें कल प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। मेरा प्रोजेक्ट भी कर देना यार। ये देख, बिन मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती और पिज्जा वाला डिलीवरी भी नहीं देता। तू भी जाके पूछना उससे। ठीक है, रात को साथ में करेंगे और क्या। वहाँ जाके पिज्जा मत खाना, अपनी साली का जिज्जा बनना। मैं तेरा प्रोजेक्ट करूँगी तो मेरा प्रोजेक्ट कौन करेगा? 50-50 करेंगे ना। रमेश, सुरेश, हाय, मैं गिरी, और तुम्हारा नाम? जगन। टाइम की लगा रहे? हाँ, ले ले ले। गर्मा गर्म खाओ। इतना खाएगा तो 6-12 पैक बनेंगे। पेट को कुछ नहीं बोलने का, मुझे 6 पैक से ज्यादा फैमिली पैक में इंटरेस्ट है। ए जगन, कैसा है यार? हाय हाय, तू आ रहा है, इसने मुझे बताया था। यार एक टाइम में अपनी गैंग थी, 4 साल हो गए कॉलेज खत्म हुए, तब से हम लोग मिल ही नहीं पाए। वो क्या ना, मेरे बड़े भाई ससुराल में रहते हैं, मुझे घर और बिजनेस को अकेले संभालना पड़ता है। वैसे ये बता, तू अब तक कॉलेज के चक्कर क्यों काट रहा है भाई? इसके प्यार के लिए 6 महीने से आई लव यू बोल रहा है। अबे डरेगा तो प्यार क्या करेगा, प्यार में लेट नहीं करने का वरना गाड़ी निकल जाती है। इसको बोलते हैं एक बार पीछे पड़ता है तो छोड़ता ही नहीं। अरे यार तेरी तो शादी होने वाली थी ना। कैसे होगी, टाइम होना चाहिए ना, घर का काम, बिजनेस का काम, खेत का काम, ये काम, वो काम। लड़की की पढ़ाई कंप्लीट होते ही हम लोग शादी करेंगे। पैसा पैसे, दिखता नहीं टायर में सम्मेलन चल रहा है। अरे क्या कर रहा है, रुक, मैं नहीं, नहीं, मैं दूंगा यार। पेमेंट हो गई। अबे मेरा पर्स, अबे तू कब से जेब कतरा बन गया? जेलर की तरह क्या देख रहा है, ऐसे ही काम होता है। काम हो गया तो होटल का खाना, पकड़े गए तो जेल का खाना, और क्या। क्या पर्स मारा है? तेरा पर्स भी मैंने ही मारा है।
देख रहा है ना, एक किक में स्टार्ट नहीं हुई तो क्या बाइक छोड़ के भाग गया? कोशिश कर रहा है ना। वैसे ही तेरे से अगर एक बार में लड़की नहीं पटी तो कोशिश कर। मैकेनिक को बुलाने गया है। कॉलेज बंक करके आज फिल्म देखने चलते हैं ना। वो जा रही है, जल्दी जाना। इधर बस। और कॉलेज में बहुत सारे लोग थे इसलिए तुझे डर लग रहा था, पर यहाँ कोई नहीं है, जाके बिंदास बोल दे। जा जा जा, अगले जन्म में जाएगा क्या? जाना जा। अबे जा। अबे जा। पता नहीं आके क्या करेगा। मुझे भी नहीं पता। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरी जगह अगर उसने मुझसे कुछ कह दिया तो। हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो बोल रहा है। हेलो हेलो के बाद भी कुछ बोलना आता है? अरे अरे अरे, जरा धीरे बोलो ना। अब तू मुझे बात करना सिखाएगा? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? मैं वेट करूं कि पहले तू कुछ कर रहा है? डर और दर्द में क्या फर्क होता है पता है? दर्द में आंखें गीली होती है और डर में पैंट गीली होती है। मेरा तो सब कुछ गीला हो रहा है। हमें छेड़ने के केस में तुझे मैं अंदर करवा दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। वापस आ गया यार, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे लिए तू ही वसंती से जाके बात कर लेना। क्या मैं करूँ? क्यों नहीं, अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता। उसको बोलना कि मेरा दोस्त तुमको लव करता है और फिर पूछना कि उसका जवाब क्या है। पागल हो गया। अरे वो जा रही है यार, देखना प्लीज, जाना प्लीज। जा बोल दे। लेकिन उस मोटी से बच के रहना, ऐसे भी मुझे हाई बीपी है, लो बीपी की दवाई खा लेता हूँ। वो देख शिवा आ रहा है। सामने देखना, शिवा यही आ रहा है। तो आने देना यार, वो कोई डायनासोर है क्या कि हम उससे डरेंगे? रुको, मुझे इससे बात करनी है, तुम जाओ। बड़ों की बातों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। ये कल तुम्हें लॉलीपॉप खिलाएगी, जाओ इसे। अरे बाप रे, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खा जाऊंगा? निकलो। शरीर 100 किलो का, भेजा 100 ग्राम। चल। ए, बड़ी भोली बनती हो तुम। तुम्हें पता है ना बस में 2 लड़के तुम्हारे पीछे पागल है। चलो बाकी का तेल लेने, मेरा दोस्त भी लाइन में, पता है ना। समझ, तेरी शादी पक्की। ये मोटी चल निकल। चुपे, बचपन में गोटी बहुत खेली है मैंने। ये ले, ये वाला मेरी तरफ से मार। ये वाला देख तेरी साइज का है। भाग, भाग ना। मेरे दोस्त गिरी को तो तुम जानती हो ना? जानती हूँ। तो बताओ, तुम उसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? वो खुदा के क्यों नहीं पूछता? वो बेचारा शर्माता है, इसलिए मैं पूछने आया हूँ। तो बताओ, करती हो ना? हाँ करती हूँ। सच में करती हो? तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा? 6 महीने बर्बाद हो गए। देखो मेरा जवाब तो हाँ ही है, तुम्हारी फ्रेंड के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ओहो, क्या बोली? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चीटिंग है। जब मैं सेटिंग कर रहा था उस दिन क्या कहा था तुमने कि पिटवाओगी मुझे? उस टाइम मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे तो मुझे बहुत टेंशन था, और तुम अपनी प्यार की बोट ले आए, तो तुम्ही बताओ मैं क्या करती। अब अगर 10th क्लास की लड़की से प्यार मोहब्बत शादी की बातें करोगे तो उसे अजीब नहीं लगेगा? आंटी साइड प्लीज। देखा तुमने, इसने भी मुझे आंटी कहा, जैसे मैंने तुम्हें अंकल कहा था। बेचारे गिरी का तो पत्ता ही कट गया। तुमने अपने दोस्त को हीरो बनाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले, मैं सब जानती हूँ। दरअसल मैं उस बस में सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ, तुम्हें देखने के लिए। ये कोई जुखाम नहीं है कि जब तुम्हें होगा तो मुझे भी हो जाएगा। रात को आंखें बंद करके सोचना, ये प्यार है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच के बताना कि तुम प्यार करते हो या नहीं। सेम टाइम सेम प्लेस।